हेलो गाइस, कभी कभी हमें इस तरह के सेंटेंस बोलने की ज़रूरत पड़ जाती है, जैसे कि मुझे क्या पता था कि वह नहीं जाएगा, या फिर मुझे क्या पता था कि तुम झूठ बोल रहे हो, या फिर मुझे क्या पता था कि वे कल आएंगे, या फिर मुझे क्या पता था कि कल छुट्टी है। गाइज, इस तरह के सेंटेंस में आपने एक चीज़ ज़रूर नोटिस किया होगा कि मुझे क्या पता था शब्द का बार बार यूज़ हो रहा है। चलिए गाइज, इस तरह के सेंटेंस को बनाने के लिए स्ट्रक्चर देख लेते हैं। स्ट्रक्चर: लिटिल डिड आई नो प्लस दैट प्लस ऑप्शनल प्लस सेंटेंस। गाइज, लिटिल डिड आई नो का मतलब होता है मुझे क्या पता था। चलिए गाइज, इसको अच्छी तरह से समझने के लिए एग्जाम्पल देख लेते हैं। मुझे क्या पता था कि वह नहीं जाएगा। लिटिल डिड आई नो दैट ही विल नॉट गो। चलिए गाइस, नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लेते हैं। मुझे क्या पता था कि तुम झूठ बोल रहे हो। लिटिल डिड आई नो दैट यू आर टेलिंग अ लाई। चलिए गाइस, नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लेते हैं। मुझे क्या पता था कि वे कल आएंगे। लिटिल डिड आई नो दैट दे विल कम यस्टरडे। चलिए गाइस, नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लेते हैं। मुझे क्या पता था कि कल छुट्टी है। लिटिल डिड आई नो दैट यस्टरडे इज लीव। चलिए गाइस, नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लेते हैं। मुझे क्या पता था कि वो शादीशुदा है। लिटिल डिड आई नो दैट ही इज मैरिड। चलिए गाइस, नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लेते हैं। मुझे क्या पता था कि वहाँ पर कोई नहीं है। लिटिल डिड आई नो दैट नो वन वॉज ओवर। चलिए गाइस, कुछ सेंटेंस आपको होमवर्क में दिए जा रहे हैं, इसे आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। मुझे क्या पता था कि तुम सो रहे हो। हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ विनोद सिंह। वेलकम टू माय चैनल विनोद स्टडी सेंटर। अगर वीडियोस को सीखने को मिला तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि हम रोज मिल सकें।